हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी राइड करने जा रहा हूँ। मैं घर की परेशानी में बहुत बिजी था, यही वजह है कि आज मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, ये जो मेरे निशान आप देख रहे होंगे, मुझे पता है आप पूछ रहे होंगे कि ये कैसे लगी है। लगी ऐसे है कि मैं स्कूटी पे जा रहा था और लोकल जा रहा था सब्जी के लिए, और मैं सब्जी लाते लाते एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे होगा, स्किड कर गई तो चोट भी लगनी थी नेचुरली, हेलमेट मैंने डाला नहीं था। तो मैं जरूर विनती करता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप नज़दीक भी जाएं, थोड़ा केयरफुली जाएं, धीरे जाएं, और कोशिश करें कि आप हेलमेट तो पक्का कंपल्सरी यार डालो ही डालो, क्योंकि हेलमेट डालना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा ढांचा बिगड़ गया, शक्ल बिगड़ गई है, वैसे प्लीज़ अपने चेहरे को बचाएं, क्योंकि चेहरा है तो सब कुछ अच्छा लगता है और देखने में भी ठीक लगता है। मेरा ये निशान है ना, मेरे सारे चेहरे पर भारी पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, होता है, क्योंकि लाइफ है, चलती है। आज मैं छोटी सी राइड करने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी पैकिंग चेकिंग कर दी है, तो ये है टॉप बॉक्स, और ये शटल बैग, ये है टैंक बैग, और ये है अपना घोड़ा। तो घोड़ा मेरा रेडी है, और धूप भी काफी तेज है, आज मजा भी आएगा और फोटोज वगैरह भी काफी अच्छे आएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो जाने से पहले मेरे छोटे मोटे आइटम में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, क्या कर रही हो? फोन देख रही हो? बस आजकल के बच्चों का यही हाल है, फोन देखना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये है मेरा, ये बैटरी चार्जर है गोप्रो का। तो ये मेरे को 3 स्लाइड वाला मिला था, जो कि मैंने दो ही मेरे पास बैटरी, तो अभी एक खाली पड़ा है, एक और लेनी है मेरे को। और ये कार्ड होल्डर है, ये है जो कि मेरा 1+ का ईयरफोन है, बहुत अच्छे हैं ईयरबड्स, मुझे बहुत पसंद है। और ये है ग्रे एंड जैक का, जो मेरे सन ग्लासेस हैं और रिफ्लेक्टेबल है, और रिफ्लेक्टर बोलते हैं जिसको, तो ये भी अच्छे हैं, मेरे को काफ़ी क्लियर इसमें नज़र आता है, अभी बहुत हल्के से है। और ये है इसका कवर ग्रे एंड जैक का, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है इसको। ये है दोस्तों मेरा एक अलग से फ़ोन है, जो कि पुराना हो चुका था, इसको मैंने यूज़ में लिया है, इसको मैं नेविगेशन में यूज़ करता हूँ उसके ऊपर लगा के। तो ये नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, लेकिन मुझे सिर्फ नेविगेशन में यूज़ करना है इसको, तो डोंट वरी। ओके, तो ये है बॉक्स बंडल, जो कि मैं GoPro के साथ आया था, और इसी बॉक्स में मैं काफ़ी हद तक डालता हूँ। तो दोस्तों, ये है रोड के मेरे माइक हैं, और ये है रिसीवर, और ये दो मुझे साथ में माइक मिले थे। तो इसकी कॉस्ट लगभग 31,000 के आसपास मेरे को मिला था ये अमेजोन से। तो ये इसकी केबल है, ये मैंने इसमें अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कौन सी फ़ोन के साथ कनेक्ट करना, तो मैंने इस पर क्या किया, एक छोटे से टेप के साथ लिख दिया कि ये आईफोन के साथ कनेक्ट होता है। और ये आईफोन के साथ कनेक्ट ऐसे होता है कि इसमें जो है लाइटनिंग केबल है, उसके साथ इसको लगाना पड़ता है, यानी कि ये है लाइटनिंग केबल, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, और ये जो है हमारा आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस केबल को अलग से रख दिया, ताकि इसी के साथ कनेक्ट रहे। और एक अनदर जो है दूसरी वाली, ये भी मैंने रोड की मंगवाई थी, लगभग मेरी ये 1200 कुछ ऐसे ही आई थी। तो ये मेरी हो जाती है GoPro के साथ कनेक्ट, ये GoPro के साथ कनेक्ट करके माइक को, सॉरी रिसीवर को कनेक्ट कर लेंगे, और ये GoPro के साथ लग जाएगी। तो दोस्तों, ये है कनेक्टिविटी के साधन, जो कि मैंने अभी लगभग कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये दोस्तों मेरी केबल गुम हो गई थी, और गुम होने के बाद मेरे को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ा था कि ये 12,500 यानी 13,000 की लगभग ये मेरे को मिली है, और सॉरी 1300 रुपये की मुझे मिली है। तो खमियाजा तो भुगता है, बट डोंट वरी, होता रहता है इन चीज़ों का, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ जाती हैं तभी नहीं आती हैं। तो चलते हैं, ये है क्लोज, और हम अभी जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। जाएं मैडम। ये है मेरी वाइफ, जो कि कहती है शाम तक घर वापस आना है, तो हम शाम तक घर वापस आने की कोशिश करेंगे। इनके अगर नहीं आते हैं तो कल
पनिशमेंट के लिए रेडी रहेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा पॉकेट है जो कि मेरा बहुत साथ देता है, क्योंकि कई बार जी हाथ ज्यादा नहीं है और इसी में इसको जेब क्या है और भी इसी में हम सब कुछ डाल देते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है, बेस्ट है। और ये है भी एक वाटर प्रूफ है। जब मैंने एसएससी चंडीगढ़ से एसएससी लगवाई थी मैंने, तो तभी मैंने इसको ले लिया था, तो अच्छी चीज है। इसमें मेरे कोवर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं और काफ़ी इसमें कंफर्टेबल भी रहता हूँ। ये हो गया रेडी, अब मुझे लगाने हैं नी कवर। सो दोस्तों, ये बार बार नीचे चले जाते हैं, ये जो पोर्शन है इसका घुटनों के से नीचे चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम इसको यहाँ पे जब बांधते हैं तो हम इसको सही से नहीं बांधते। क्या है, इसको यहाँ ऊपर करके बांधोगे, जितना आप ऊपर करके बांधोगे ये उतना नीचे चला जाएगा। तो हमने क्या है, इस पर उसको खुला। अभी जो नेक्स्ट बांधना है हमने, वो नीचे को नहीं बांधना है, ऐसे जो नीचे को स्टेप जाता है ऐसे, हमने ऊपर को बांधना है ऐसे करके। तो ये हमारा ऊपर ही रह गया है ना, ये जो हमारी होती है ना, इसके जो ऊपर चला गया तो ये ऊपर ही रहेगा। अगर हम इसको नीचे बांधेंगे तो ये नीचे खिसकता चला जाएगा। देन उसके बाद है हमारा थर्ड स्टेप, और ये भी हमने लगा लिया। तो ये है दोस्तों जैकेट, और राइनोक्स की सबसे बेस्ट जैकेट है ना वो है ये। तो ये वाटरप्रूफ भी है और काफ़ी हद तक ये फर्स्ट हिट का इम्पैक्ट होता है उसको काफ़ी हद तक झेल जाता है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है जैकेट, हल्की फुल्की भी है और लगभग सारे इसमें जो है एक जो होना चाहिए मापदंड वो है इसमें।